Hello students, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am Meenakshi. Today I will discuss about reading and writing fill in the blanks part number 13. इससे पहले मैं आपको 12 parts provide करवा चुकी हूँ, so आपको अगर उन video को watch करना है तो मैं उनका link आपको description box में provide कर दूँगी. आप वहाँ से उन video को watch कर सकते हैं. इससे मैंने आपको different types की techniques provide की हैं, आप उनको follow करके एक अच्छा score reading में लेकर आ सकते हो. So let's start the video. फर्स्ट हम क्या करेंगे, रीड करेंगे पैसेज को, अंडरस्टैंड करेंगे मीनिंग्स की इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकल कर आ रहा है. फर्स्ट रीड करें, रोमन पोइट ओविड रोट दैट देर इज नथिंग, यानी कि फर्स्ट आपका यहाँ से किसके बारे में है, रोमन पोइट है, ओविड नेम है, जो लिखते हैं देर इज नथिंग ब्लैंक ऑर्थोडॉक्स वोलाटाइल कॉन्स्टेंट चीप इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है. मीन्स यहाँ तक अब सेंस, अब वर्ड्स देखो, ऑर्थोडॉक्स वोलाटाइल कॉन्स्टेंट एंड चीप. ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पुराने विचार हैं, बिलीफ्स हैं, वो चीज़ आपको होता है ऑर्थोडॉक्स. वोलाटाइल होता है कि जो चीज़ एकदम से सडन चेंज हो जाए, जिसके बारे में हमने कभी भी एक्सपेक्ट ना किया हो, वो होता है वोलाटाइल. फिर कॉन्स्टेंट यानी कि आपका एक जैसा ही सेम रहना. चीप, चीप होता है सस्ता. अब यहाँ पर देखो वर्ड है आपके पास नेगेटिव, देर इज नथिंग इन द यूनिवर्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो यूनिवर्स में क्या नहीं है. ऑल एब एंड फ्लो, अब यहाँ से आपको इस मीनिंग, इस जो ये वर्ड्स हैं इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. एब एंड फ्लो यानी कि जो हमारी लाइफ में कमिंग एंड गोइंग आते हैं या फिर उतार और चढ़ाव आते हैं, वो सब क्या होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं. सो वो क्या है हमारा, अब कॉन्स्टेंट नहीं है वो चीज़. सो यहाँ पर क्या ऑप्शन मिला हमें, देर इज नथिंग. अब वोलाटाइल चलती रहती है तो नथिंग तो नहीं हो सकता. ऑर्थोडॉक्स होता है जो हमारी पुरानी बिलीव्स होती हैं, उनको हम अब चेंज कर रहे हैं, वो भी नहीं हम कर सकते यहाँ पर. चीप सस्ता नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा देर इज नथिंग कॉन्स्टेंट इन द यूनिवर्स, कि यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या है आपकी, कॉन्स्टेंट नहीं है. All ebb and flow, जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, and every shape that is born bears in it, यानी कि जो भी आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हैं या फिर हर एक परिवर्तन जो हमारे born bears में आएगा, in its blank heart, limb, womb, brain, the seeds of change, क्या करेगा वो, seeds को में परिवर्तन लाएगा, seeds of change. अब जो आपका बोन बात हुई है कि जन्म की बात हुई, अब जन्म हमारा कहाँ से होता है, हार्ट, हार्ट में नहीं, लिम कोई आपका बॉडी पार्ट्स नहीं होगा, वोम, वोम होता है आपका गर्भ, कोक, ब्रेन, माइंड, बोन बियर्स की बात है आपके परिवर्तन, वहाँ से जन्म लेते हैं. सो जन्म के लिए कौन सा वर्ड होता है हमारा, गर्भ. सो अब इसमें हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, वोम. नेक्स्ट है, दीज वर्ड्स आर रिमार्केबली, जो वर्ड्स हैं आपके एब एंड फ्लो, ये रिमार्केबली ब्लैंक, प्रिवेलेंट, डिटैच्ड, रेलिवेंट, डोमिनेंट, व्हेन वन कंसीडर द वे हैज लाइफ हैज चेंज थ्रू टाइम एज रिवील्ड बाय फॉसिल रिकॉर्ड्स, यानी कि जो ये वर्ड्स हैं आर रिमार्केबली कैसे होने चाहिए, व्हेन वन कंसीडर, जब किसी ने कंसीडर किया जो लाइफ है वो चेंज हुई है थ्रू टाइम, टाइम के साथ, एज रिवील्ड बाय फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि जो हमारी लाइफ है वो चेंज हुई है, तो ये वर्ड हमारे लिए क्या होंगे. अब पहले हमारे पास वर्ड आया प्रीवेलेंट. अब प्रीवेलेंट मीन्स होता है जो आपका कॉमन हो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर. अब कॉमन तो नहीं है, ये तो एकदम से सडन चेंज आते हैं हमारी लाइफ में. डिटैच्ड, अलग अलग होना, अब चेंजेस आए तो अलग अलग नहीं होंगे. रेलिवेंट, रेलिवेंट होता है कि उस चीज़ का आपका रिलेटेड. डोमिनेंट मीन्स होता है बहुत पावरफुल आपका. सो यहाँ पर आपके पास कौन सा रिमार्केबली चेंज आएगा, रेलिवेंट, कि एक आपके अच्छे वाले चेंज हुए हैं. सो यहाँ पर वर्ड आएगा रेलिवेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके. फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्शनरी पब्लिशर आर, अब किसके बारे में बात हुई है, डिक्शनरी पब्लिशर के बारे में बात हुई है, आर ब्लैंक इनकॉर्पोरेटिंग एनलार्जिंग ट्रीटिंग एक्सक्लूडिंग रियल स्पोकन इंग्लिश इनटू देयर डेटा. स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात चली यहाँ पर, यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी की बात होगी. इट गिव्स लेक्सिकोग्राफर्स, पीपल हु राइट डिक्शनरीज, लेक्सिकोग्राफर किसे हम बोलते हैं, जो आपकी डिक्शनरीज को राइट करते हैं. ओनर एसेस प्रिविजन प्रिविलेज टू अ मोर वाइब्रेंट, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. अप टू डेट ब्लैंक
लैंग्वेज विच हैज़ नेवर रियली बीन स्टडीड बिफोर, यानी कि ऐसी आपको लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे जो आपने कभी भी पहले रीड ना की हो। अब यहाँ से देखो मीनिंग हमें क्लियर हुआ कि डिक्शनरी के बारे में बात कर रहा है। सो डिक्शनरी पब्लिशर आर, आर के बाद आपके पास क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो आई एन जी आती है या तो ई डी, लेकिन यहाँ पर ये क्या आपकी एक्टिव वॉइस है। सो इसमें आपके पास आई एन जी वाली फॉर्म आएगी बिकॉज यहाँ पर बता रखा उन्होंने डिक्शनरी पब्लिशर, यानी कि एक नाउन आया उसके बाद आपके पास क्या है आर। सो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है। इनकॉर्पोरेटिंग एनलार्जिंग, इनकॉर्पोरेटिंग होता है किसी चीज़ का साथ देना, इंक्लूड करना समथिंग, किसी को सहयोग देना। एनलार्जिंग किसी को बढ़ा चढ़ा देना, ट्रीटिंग किसी को हैंडल करना, एक्सक्लूडिंग यानी किसी को बाहर निकाल देना। अब जो डिक्शनरी पब्लिशर हैं वो क्या करेंगे रियल स्पोकन इंग्लिश इनटू देयर डेटा, एड ऑन करेंगे हम किसी डेटा को जो डिक्शनरी वाले बनाएंगे। सो इसके लिए वर्ड आएगा हमारे पास इनकॉर्पोरेटिंग। आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि कौन से वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इनकॉर्पोरेटिंग। उससे नेक्स्ट रीड करते हैं, इट गिव्स लेक्सिकोग्राफर्स, ये जो आपके डिक्शनरी को राइट करते हैं उनको क्या देता है ब्लैंक टू ए मोर वाइब्रेंट, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, वाइब्रेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी काम करने के लिए, अप टू डेट रेडी रहने के लिए, लैंग्वेज के लिए, विच हैज़ नेवर रियली बीन स्टडीड बिफोर, जो पहले कभी नहीं पढ़ी गई हो। अब ओनर, ओनर मीन्स आपका होता है कि आप क्या कर रहे हो किसी को सम्मान दे रहे हो। एक्सेस यानी कि उनको पहुंच, उनको साधन उपलब्ध करवाना, पहुंच होना किसी चीज़ के ऊपर हमारी। उसके बाद प्रिविजन, प्रिविजन मतलब पहले कोई चीज़ भविष्यवाणी करना, कोई ऐसी प्रिडिक्शन करना कि फ्यूचर में ऐसा इवेंट होने वाला है, यहाँ पर फ्यूचर की कोई बात नहीं आई। उसके बाद हमारे पास वर्ड आया प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है कोई भी ऐसी स्पेशल राइट या फिर एडवांटेज या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हमें प्रोवाइड की गई हो, बट लेकिन ये क्या है यहाँ पर इट गिव्स लेक्सिकोग्राफर्स टू अ मोर वाइब्रेंट अप टू डेट लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए जो कभी भी पहले स्टडी ना की गई हो, तो वो वहाँ पर क्या देगी उनको एक्सेस देगी, उनको ऐसी एक रास्ता देगी, पहुँच देगी, जिससे वो क्या करेंगे एक ऐसी लैंग्वेज को बनाएंगे जिस तक हम कभी भी अभी तक नहीं हमने उसको स्टडी किया। अप टू डेट ब्लैंक ऑब्सक्योर इनडिफरेंट वर्नैकुलर एंड कॉमन, अब कॉमन हो गया क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे, कॉमन लैंग्वेज तो हम बोलते हैं, सो वो कौन सी आएगी। फिर आपके पास है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है जो अभी तक डिस्कवर्ड ही ना हुई हो। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट आपके पास होता है जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही ना हो। आपके पास है वर्नैकुलर, वर्नैकुलर होता है कोई भी लैंग्वेज जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के द्वारा बोला जाता हो। यहाँ पर आपको एक ग्रुप ही तो बताया गया है लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी को राइट करते हैं। सो अप टू डेट वर्नैकुलर जो हमारी एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज है उसके बारे में वो क्या करेंगे राइट करेंगे जो हमने कभी भी स्टडी नहीं की होगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरी वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होल्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल एंड ग्रुप्स, यानी कि किसके बारे में बात है हेल्थ के बारे में है कि जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ का वो क्या करता है डिफरेंट लोगों और ग्रुपों के लिए अलग अलग मीनिंग लेकर आता है। दीज मीनिंग्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ हैव ऑल्सो ब्लैंक एग्जिस्टेड चेंज्ड वैनिश्ड एडोप्टेड ओवर टाइम। अब क्या बोला इन्होंने कि दीज मीनिंग ऑफ हेल्थ हैव ऑल्सो, अब क्या होते रहते हैं वो ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ एग्जिस्टेड यानी कि वहीं पर रहने लग जाते हैं, उनका वही लेवल रहता है नहीं आएगा। चेंज्ड मीन्स कि चेंज बदलाव आते रहते हैं, वैनिश्ड ख़त्म हो जाते हैं, एडोप्टेड उनको अपना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ होल्ड डिफरेंट मीनिंग्स, तो डिफरेंट मीनिंग्स होंगे डिफरेंट पीपल ऑफ ग्रुप के लिए, तो यहाँ पर भी क्या होंगे जो मीनिंग्स होंगे हेल्थ के वो क्या होते रहेंगे चेंज होते रहेंगे, उनमें बदलाव आते रहेंगे क्योंकि अलग अलग लोगों के बारे में पहले ही उन्होंने बोल दिया कि डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। द डिफरेंस इज नो मोर, अब जो डिफरेंस होगा वो इज नो मोर ब्लैंक देन इन वेस्टर्न सोसाइटी टूडे, तो वैन ब्लैंक ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ प्रमोशन आर बींग चैलेंज्ड एंड इन न्यू वेज। अब दिस डिफरेंस इज नो मोर, अब क्या नहीं रहेगा वो नो मोर, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मीन्स आपका होता है कि वो वहाँ पर
एक जैसा नहीं रहेगा। उसके बाद है यूनिक, यूनिक होता है बिल्कुल अलग, अकेला, सबसे नया, एविडेंट होता है, क्लियर, और आयरोनिक आपका होता है कि जो चीज़ आपको क्या लगे, अपोजिट लगे किसी चीज़ से, एक दूसरे से अटपटा, आप बोल सकते हो कि ये चीज़ अटपटी है। तो दिस डिफरेंस इज नो मोर अब आइडेंटिकल समान देन इन वेस्टर्न सोसाइटी टुडे, जो वेस्टर्न सोसाइटी में आज है। उसके लिए क्या नहीं रहेगी वो चीज़, एविडेंट, एविडेंट मीन्स क्लियर नहीं रहेगी, क्लियर नहीं रहेगी। व्हेन ब्लैंक कंटोर्स फिगर्स नोशन कॉस्ट ऑफ हेल्थ, जब, कब नहीं रहेगी वो क्लियर, व्हेन कंटोर्स, कंटोर्स मीन्स होता है किसी चीज़ का आप क्या कर देते हो, उसको एक बाउंड्री में उसको डाल देते हो, हाईलाइट कर देते हो, कंटोर्स कर देते हो। फिगर्स होते हैं आपका डाटा, आंकड़े आपके, नोशंस होते हैं आपके कि आप क्या कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, कोई आइडिया है आपके पास, कोई आप क्या कर रहे हो अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, वो होता है नोशंस किसी चीज़ के बारे में। कॉस्ट आपको होता है कि आप उस पर कोई भी अमाउंट खर्च कर रहे हो। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हेन नोशंस ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ प्रमोशन। अब देखो यहाँ पर भी नाउन आया हेल्थ प्रमोशन, एंड यहाँ पर क्या है नाउन हमारे पास, नोशंस आर बीइंग चैलेंज्ड। एंड सो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन, कंटोर नहीं कर रहे हम हेल्थ को, हम उसका कॉस्ट नहीं लगा रहे, फिगर नहीं लगा रहे, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, नोशन। कि जो नोशन होगा वो क्या होगा आपका, हेल्थ का। जब नोशन होगा हेल्थ का, उसका आइडिया लगाया जाएगा, एंड हेल्थ प्रमोशन होगा आर बीइंग चैलेंज्ड एंड ब्लैंक इन न्यू वेज। और न्यू वेज से हम उसको क्या करेंगे, एमिटेड, एमिटेड मतलब होता है किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, कहीं से पास आउट कर रहे हो, किसी को चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो। उसके बाद सर्व्ड, सर्व करना, डिक्टेट, डिक्टेटेड होता है किसी चीज़ को एज इट इज़ आप किसी के सामने ले जाओ, प्रेजेंट कर दो किसी चीज़ को, आप उसको रिटर्न में दे दो। एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड होता है बढ़ा देना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बींग चैलेंज्ड, अब वो आपको चैलेंज कर रही है, और उसके बाद क्या आएगा, चैलेंज करेगी तो कोई चीज़ क्या होगी, आगे एक्सपेंड होगी, आप उसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ ना कुछ फाइंड आउट करोगे कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सम बर्ड्स ऑफ प्रे हैव लर्न टू कंट्रोल फायर। अब किसके बारे में है, बर्ड्स के बारे में है, जो शिकार करते हैं वो क्या कर सकते हैं, लर्न टू कंट्रोल फायर, वो सीख रहे हैं कि कैसे वो फायर के ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं। आ ब्लैंक क्वेश्चन प्रोफाइल टेल स्किल प्रीवियसली थॉट टू बी यूनिक टू ह्यूमंस। अब प्रीवियसली क्या चीज़ आपके लिए कॉमन हो सकती है, अ क्वेश्चन, अगर रीड करते हैं कि कोई आंसर है, द बर्ड अपीयर्स टू डेलिब्रेटली स्प्रेड वाइल्ड फायर्स इन ऑर्डर टू ब्लैंक। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अ ब्लैंक। अब क्वेश्चन के बारे में बात नहीं हो रही कि क्वेश्चन प्रीवियसली थॉट कि क्वेश्चन हमारे माइंड में आया। प्रोफाइल, प्रोफाइल आपका कि आप किसी चीज़ के बारे में अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हो। टेल, कहानी की बात नहीं होगी। अब अगर कोई लर्न कर रहा है तो वो क्या चीज़ लर्न करेगा, स्किल लर्न करेगा, तो अ स्किल यानी कि अ स्किल। प्रीवियसली थॉट टू बी यूनिक टू ह्यूमंस, ये ह्यूमन के लिए एक यूनिक है। द बर्ड्स अपीयर टू डेलिब्रेटली स्प्रेड वाइल्ड फायर्स इन ऑर्डर टू, जो बर्ड्स हैं वो एकदम से स्प्रेड हो जाते हैं वाइल्ड फायर्स में, आग में, इन ऑर्डर टू आउट प्रे यानी कि शिकार को आग से बाहर निकालने के लिए। टू, अब क्या है फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, प्रिवेंट। अब प्रिवेंट मीन्स आपके पास होता है किसी चीज़ को रोक देना। उसके बाद लिमिट, लिमिट होगा आपके पास कि आप किसी चीज़ को बाउंड कर रहे हो। स्पैन, स्पैन होता है कि आप किसी के पास टाइम कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लश। अब फ्लश मीन्स होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग विद अ सडन फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि किसी चीज़ से जल्दी छुटकारा पा लेना पानी की हेल्प से। अब यहाँ पर क्या है, आग की बात है, वाइल्ड फायर्स की बात है, सो आप क्या करोगे, वहाँ पर फ्लश कर दोगे, वहाँ पर पानी डाल दोगे, आउट प्रे, प्रे यानी कि शिकार को वहाँ से बाहर निकालने के लिए। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ के आग के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, वो है हमारे पास फ्लश, कि आप वहाँ पर क्या कर दोगे, फ्लश कर दोगे, पानी डालकर उसको वहाँ से बाहर निकाल लोगे। सो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिट है। द फाइंडिंग सजेस्ट दैट बर्ड्स मे हैव, अब हमें जो रिजल्ट मिले हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, द बर्ड्स मे हैव
ब्लैंक प्रोफिहिस्ड बीटन ट्रांसमिटेड फोर्स्ड अस टू द यूज ऑफ द फायर, यानी कि जो फाइंडिंग है वो हमें बताती है कि बर्ड्स मे हैव प्रोफिस्ड बीटन ट्रांसमिटेड फोर्स। अब बीटन यानी कि उनको पीटा जा रहा है, उसके बाद आपके पास है ट्रांसमिटेड यानी कि उनको चेंज किया जा रहा है, फोर्स्ड यानी कि उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है। द बर्ड्स मे हैव अस टू द यूज ऑफ फायर। अब यहाँ पर है द फाइंडिंग सजेस्ट द बर्ड मे हैव कि बर्ड्स हमें क्या कर रहे हैं, अस टू द यूज ऑफ फायर, उसके बारे में हमें पछाड़ रहे हैं, बीटन यानी कि हमें टक्कर दे रहे हैं, मे हैव बीटन अस टू द यूज ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इन 1868 बोटेनिस्ट जूल्स ईमेल प्लैंचन ब्लैंक द कल्प्रिट बिहाइंड नेशनल क्राइसिस। अब देखो यहाँ पर क्या है, बोटेनिस्ट्स है यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उससे रिलेटेड जो आपका रिसर्च करता है वो होता है बोटेनिस्ट। अब यहाँ पर किसके बारे में बात आई, नेशनल क्राइसिस यानी कि कुछ आपके नेशनल तौर पर कुछ आपकी घटनाएं हुई हैं, क्राइसिस हुई हैं, उसके दोषी की बात है कि कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स होता है दोषी, बिहाइंड द नेशनल क्राइसिस इसके पीछे दोषी कौन है। सो जूल्स ईमेल प्लैंचन ब्लैंक अनमास्क क्रिएटेड इमेजिन एंड पैक्ड द कल्प्रिट बिहाइंड नेशनल क्राइसिस। अब कोई इंसान है वो क्या करेगा कि क्या कोई दोषी है को वो अपनी तरफ से क्रिएटेड कर देगा कि हाँ ये दोषी है, नहीं कर सकते। इमेजिन हम कल्पना नहीं कर सकते, पैक्ड उसको पैक नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं हम उसका अनमास्क मतलब क्या कर सकते हैं, हम उसको रिवील कर सकते हैं कि ये इंसान है वो दोषी है। फॉर फाइव ईयर्स के लिए आ ब्लैंक करंट कोल्ड प्रेफरेंस ब्लाइट हैड बीन स्टीलिंग अक्रॉस फ्रांस विनियार्ड्स, यानी कि 5 ईयर्स के दौरान क्या किया गया था, बीन स्टीलिंग अक्रॉस फ्रांस विनियार्ड्स यानी कि वहाँ पर फ्रांस में क्या हुई थी, अंगूरों की चोरी हुई थी, विनियार्ड्स बोलते हैं जहाँ पर अंगूरों की खेती आपकी की जाती है। सो ऑप्शन देखो, अ करंट हैड बीन स्टीलिंग, अ करंट क्या चीज़, करंट कोई नहीं है, कोल्ड ठंड की बात नहीं है यहाँ पर, प्रेफरेंसेस किसी चीज़ को हम प्रेफर नहीं कर रहे, ब्लाइट अब ब्लाइट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को स्पॉइल कर देना, डैमेज कर देना या फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर देना, स्पेशली आपका प्लांट्स वगैरह के लिए यूज़ होगा। सो फॉर 5 ईयर्स आ ब्लाइट यानी कि आ ब्लाइट वहाँ पर क्या देखी गई थी, एक डैमेज होती हुई चीज़ को देखा गया था जो स्टीलिंग, क्योंकि उसने क्या किया था वहाँ का जो अंगूरों की खेती थी वहाँ से अंगूरों को चुरा लिया था। इट्स कॉज वॉज इनविजिबल, वो क्या था, इनविजिबल था, आप उसको क्या कर सकते थे, नहीं देख पा रहे थे, इसका कारण यह था। इट्स स्प्रेड, अब ये क्या फैल गया था, मीनिंगफुल फेंट काउंटलेस इनएक्जोरेबल यानी कि इनएक्जोरेबल। अब फर्स्ट आपके पास है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल क्या चीज़ मीनिंगफुल, कि वो चीज़ क्या थी आपकी, मीनिंगफुल थी, उसका कुछ अर्थ निकल रहा था। फेंट होता क्या, आप क्या करते हो, गिर जाते हो। काउंटलेस जिसको काउंट ना किया जा सके। उसके बाद आपके पास है इनएक्जोरेबल, जिसको रोकना मना हो, जिसको आप प्रिवेंट ना कर सको, इम्पॉसिबल टू स्टॉप यानी कि इट्स स्प्रेड, कि ये ऐसे फैल गया जिसको हम क्या कर सके, स्टॉप नहीं कर सके, इट्स स्प्रेड इनएक्जोरेबल। ऑलवेज इट फॉलोड द सेम पैटर्न, और वो हमेशा क्या करता था, सेम पैटर्न फॉलो करता था। फर्स्ट अ सिंगल वाइन वुड, फर्स्ट अ सिंगल वाइन यानी कि अब यहाँ पर एक सिंगल वाइन की बात चली, वुड ब्लैंक पॉसिबिलिटी की बात चल रही है, वुड आया, डेंसीफाई विदर वेपराइज एंड थ्राइव देन अ सर्कल ऑफ प्लांट एंटायर विनयार्ड वर वाइप आउट विद इन ईयर्स, यानी कि वो जो पूरा का पूरा अंगूरों की खेती थी वो ईयर्स के अंदर बिल्कुल आपकी ख़त्म हो सकती थी। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड आया डेंसीफाई यानी कि गहरा, जब वाइप्ड आउट आया मीन्स वो डैमेज हुई है आपकी, किसी कोई चीज़ पूरी तरह से डैमेज हुई है। वेपराइज उड़ जाना, पानी तो है नहीं कि उसका वेपराइज बन जाएगा आपका। सो विदर टू बिकम लेस और वीकर यानी कि उसको वीक करता जा रहा था। देन अ सर्कल ऑफ प्लांट्स, धीरे धीरे पहले उसने सिंगल किया उसके बाद उसने धीरे धीरे किया। थ्राइव, थ्राइव होता है कि कोई चीज़ अच्छे से ग्रो कर रही है, डिवेल्प हो रही है, लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, वाइप्ड आउट हो रहा है, तो नेगेटिव सेंस आ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा, विदर यानी कि कोई चीज़ है जो धीरे धीरे आपकी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है।
सो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारा विदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके अभी प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सो टर्निंग नाउ टू द हार्ट ऑफ द स्टडी इन टू डिविजन्स एंड अटेम्प्ट, कि अगर हम हार्ट की स्टडी की बात करें, हार्ट ऑफ द स्टडी की बात करें इन टू डिविजन्स एंड अटेम्प्ट, उसको दो डिवीजन कर देते हैं उसकी, एंड अटेम्प्ट ब्लैंक वॉज मेड मेकिंग मेड मेक्स टू चेंज द सुपरविजन सो दैट द डिसीजन लेवल्स वर, अब यहाँ पर वर मीन्स पास्ट की बात आई, एंड डिटेल्ड, यहाँ पर भी पास्ट की बात आई डिटेल्ड, उसके बाद आपके पास क्या आया वर्ड कि सुपरविजन ऑफ द वर्कर्स रिड्यूस्ड, यानी कि पास्ट की बात चल रही है। हर जगह पर आपके पास कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। टर्निंग नाउ टू द हार्ट ऑफ द स्टडी इन टू डिविजन्स एंड अटेम्प्ट, अब मेकिंग नहीं आएगा क्योंकि उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेड अकेला, इन टू डिविजन्स एंड अटेम्प्ट मेड टू चेंज द सुपरविजन गया, अब वो आपके पास पैसिव वॉइस में आपके पास क्वेश्चन आया इन टू डिविजन एंड अटेम्प्ट, मेक्स नहीं आएगा यहाँ पर, प्रेजेंट की बात नहीं है, तो इन टू डिविजन्स एंड अटेम्प्ट वॉज मेड, बनाई गई थी, यानी कि टू डिविजन एंड अटेम्प्ट वॉज मेड टू चेंज द सुपरविजन सो दैट द डिसीजन लेवल वर, तो डिसीजन लेवल क्या होना चाहिए, कैसा डिसीजन लेवल होना चाहिए, वर पुट ऑफ टर्न ओवर सेट अप पुश डाउन एंड डिटेल सुपरविजन ऑफ द वर्कर्स रिड्यूस्ड, और जो सुपरविजन होगी यानी कि जिससे हम क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं आप सुपरविजन को वर्कर्स की, वो क्या हो सके कम हो सके रिड्यूस्ड हो सके, तो यहाँ पर क्या होगी, अब वर्कर्स की सुपरविजन कब डिटेल रिड्यूस्ड हो सकती है, अगर हम उसको क्या कर दें पुट ऑफ, अब पुट ऑफ मीन्स आपका होता है कि आप क्या कर रहे हो किसी चीज़ को टाल देना कैंसिल कर देना, यहाँ पर आपको ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रेजेस हैं, आप पुट ऑफ से ये मत सोचना कि उसको आपने क्या कर दिया ऐसे ही डाल दिया, पुट ऑफ टाल देना, टर्न्ड ओवर होता है आपका कि उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, सेटअप कि अभी सिर्फ उसको स्टार्ट करना, पुश डाउन होता है आपका कि आप उसको क्या कर रहे हो नीचे धकेल रहे हो उसको नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा पुश डाउन, यानी कि आप उस चीज़ को दबा रहे हो, तो ऑप्शन आएगा तभी रिड्यूस होगी जब आप वहाँ पर पुश डाउन करोगे इसको, मोर जनरल सुपरविजन ऑफ द क्लर्क्स एंड देयर सुपरवाइजर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि वो जो क्लर्क होंगे जो सुपरवाइजर होंगे उनको सबको इंट्रोड्यूस किया गया था, इन एडिशन द मैनेजर्स असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ऑफ दीज टू डिविजन्स वर, अब इसमें क्या किया गया था, इन एडिशन जो मैनेजर्स थे असिस्टेंट मैनेजर थे सुपरवाइजर थे एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर्स थे ऑफ दीज टू डिविजन्स वर ब्लैंक इन ग्रुप मैथड ऑफ लीडरशिप, मैथड ऑफ लीडरशिप के लिए क्या किए जाएंगे वो फायर्ड, फायर्ड का मतलब होता है उनको एकदम से हटा देना वहाँ से, ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड का मतलब होता है आपका कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के जैसे बन रहे हो, ट्रेंड, ट्रेंड होता है कि आप किसी चीज़ को ट्रेनिंग दे रहे हो, रिड्यूस्ड होता है कम कर देना, लेकिन जब इतने सारे पर्सन की बात है मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर को सुपरवाइजर को असिस्टेंट को उनको क्या करोगे इन टू डिविजन्स में वर ट्रेंड करोगे ताकि वो लीडरशिप के लिए आए, लीडरशिप के लिए तभी आएंगे जब उनमें कोई क्वालिटी होगी तो उनको क्या किया जाएगा ट्रेंड, उसके बाद विच दे ब्लैंक एक्सपेंड गैदर्ड कवर्ड एंडेवर टू यूज एज मच एज देयर स्किल वुड परमिट, यानी कि उसके बाद वो क्या कर सकते हैं उनकी स्किल को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल ईयर, अब विच दे एक्सपेंडेड यानी कि बढ़ा सकते हैं, गैदर्ड, गैदर्ड होता है कि इकट्ठा करना, कवर्ड किसी चीज़ को आप क्या कर देते हो हाइड कर देते हो कवर कर लेते हो कि हाँ ये इतने सिर्फ इतना ही है ये चीज़, बट स्किल को हम क्या करते हैं आगे इन्हांस करते हैं उसके लिए वर्क करते हैं, सो विच दे एंडेवर्ड, एंडेवर्ड का मतलब होता है कि आप ट्राई टू समथिंग हार्ड, किसी चीज़ को पाने के लिए आप हार्ड ट्राई करते हो, विच दे एंडेवर्ड टू यूज एज मच एज देयर स्किल वुड परमिट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल ईयर, यानी कि जो ने क्या करेगी एंडेवर्ड करेगी हार्ड वर्क करने के लिए उनको मोटिवेट करेगी जो उनके स्किल को वो क्या कर सकें यूज कर सकें, फॉर इजी रेफरेंस द एक्सपेरिमेंटल चेंजेस इन दीज टू डिविजन्स, कि जो एक्सपेरिमेंटल चेंजेस होंगे इन टू डिविजन्स में विल बी लेबल्ड बींग लेबल्ड हैव लेबल्ड एंड लेबल्ड द पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम,
वो क्या करेंगे, आपका जो सहयोगी काम होगा उसमें हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पर देखो फॉर इजी रेफरेंस, अब हमें कोई रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल चेंजेस इन, जो चेंजेस आएंगे पहले वो ये काम करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल चेंजेस आएंगे इन दिस टू डिविजन्स में, तो वो क्या होंगे, बींग लेबल्ड, हैव लेबल्ड, हो चुके, अब ये नहीं आएगा यहाँ पर, लेबल्ड पास्ट की बात नहीं चल रही यहाँ पर। फिर आपके पास टू डिविजन्स विल बी, अब बींग लेबल्ड हो रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, विल बी लेबल्ड कि ऐसा वो होंगे, उनको एक लेवल के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन थे, अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।